नमस्कार, आप हैं अपने साथी सुल्तान अहमद के साथ। साथियों, आपको बता दें कि जहां देश में आप मीडिया चैनल में देखते होंगे कि टीवी चैनल पे हमेशा एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टियों पे लांछन लगाती हैं, बुरा भला कहती हैं, वहीं देश के दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे उनके अपने मुद्दे हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनको किसी मीडिया चैनल किसी मीडिया के स्थान पे ला करके नहीं रखती है। इस संदर्भ में ग्राम वाणी द्वारा एक स्थापित की गई मीडिया है मोबाइल वाणी। आइए हम देखेंगे कि मोबाइल वाणी के जरिए देश के दूर दराज इलाके में, जो आज हम खड़े हैं गाजीपुर के दुल्लापुर में, और यहाँ पे मोबाइल वाणी द्वारा मोबाइल वाणी के जरिए जो यहाँ पे स्वयंसेवक हैं, वे वॉलंटियर्स हैं, वो किस तरह से इस पूरे मीडिया के कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, इस पूरे मीडिया के कार्यक्रम को आगे ले जा रही है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह के जो मुद्दे हैं जो कभी भी किसी भी मीडिया चैनल पे, किसी भी मीडिया के लिए ये सुर्खियाँ नहीं बनती हैं, अखबारों के लिए, टीवी के लिए या रेडियो के लिए सुर्खियाँ नहीं बनती हैं, उसमें ये मोबाइल वाणी कार्यक्रम किस तरह से कारगर साबित होता है। यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं जो इसके साथ, इस पूरे मीडिया कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं, वो किस प्रकार से अपनी स्थिति, अपनी व्यथा को मीडिया कार्यक्रम में लाते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि जिस लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, जिनके मुद्दों को लेकर के आने की आज़ादी होनी चाहिए, आज मीडिया कहाँ पीछे छूटता जा रहा है, और इस संदर्भ में हम लोग पूरी बात करेंगे, देखेंगे, जाँच करेंगे, पड़ताल करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ग्राम वाणी की जो पहल है मोबाइल वाणी, वो किस प्रकार से अपने काम में आगे बढ़ रही है, उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, किस प्रकार से वो प्रशासन के साथ में काम करते हैं ताकि लोगों को समाधान मिल सके। खानपुर अकबर ब्लॉक जखनिया से मैं मोबाइल वाणी के लिए 25 अगस्त 2018 से कार्यरत हूँ। मैं आप गाजीपुर मोबाइल वाणी से क्यों जुड़े हैं? मैं गाजीपुर मोबाइल वाणी से इसलिए जुटा हूँ कि इसमें मेरी अलग पहचान हो और मैं समुदाय के लोग को जाके कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, मैं कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं समुदाय के लोग को और जनता को जागरूक करने के लिए मैं भरसक प्रयास करते हैं। मोबाइल वाणी किस प्रकार से समाज के जानकारी, समाज तक जानकारी और उनके मुद्दों का समाधान करता है? मोबाइल वाणी इसलिए मुद्दों को उनकी समाधान करता है क्योंकि खेती बाड़ी में जो भी समस्या होती है तो उसमें हम लोग सुनते हैं, तो जो उनको अच्छा लगता है वही भी इससे अपना कार्य करते हैं, और बच्चों को जो पढ़ने की चीज़ होती है उससे पढ़ के जानकारी लेते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप सर इस पे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कि मैं बताने का प्रयास करता हूँ, भरसक प्रयास, जो मुझे जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं बताने का प्रयास करता हूँ मोबाइल वाणी के लिए। उसके लिए देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गाजीपुर मोबाइल वाणी एक सामुदायिक मीडिया चैनल है, इसमें गरीब, किसान, छात्र छात्राओं के लिए, आम जन जन तक के लिए एक संदेश पहुंचाने का माध्यम बनाया गया है, जिससे आप तक अभी तो नई दिल्ली में चाहे वाराणसी में क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम चलेगा। टीवी टेलीविजन के लिए लाइन चाहिए, पेपर पढ़ने की उम्र नहीं है आपकी, लेकिन जैसे पहले के ज़माने में लोग रेडियो सुनते थे तो सुन के सब कुछ जान जाते थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो उसी तरह हम लोगों ने सामुदायिक मीडिया चैनल के नाम पर गाजीपुर मोबाइल वाणी का नाम दिया है, और उसके लिए आप लोगों तक यानी कि गांव में रहने वाले गरीब किसानों के लिए, आम जन जन तक के लिए गाजीपुर मोबाइल वाणी बनाया गया। मोबाइल वाणी पे जो इस समय चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, उसके इसमें जो चल रहा है उसमें सब चुनाव में जो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इसमें भाजपा की सरकार बनने वाली है या नहीं बनेगी, यही हमारे मम्मी पापा दोनों लोग सुनते हैं सही से, मतलब उन लोग को यह समाचार अच्छा लगता है, और हम लोग स्टूडेंट लोग जो है गुरु मंत्र कार्यक्रम सुनते हैं, जो हमको हम लोग के लिए बहुत फायदा होता है इससे। तो कब से सुन रहे हो मोबाइल वाणी? सर हम लोग 6-7 अगस्त से सुन रहे हम लोग। तो ये इसके बारे में पता कैसे चला? इसके बारे में हमें अमरजीत सर ने बताया था स्कूल में आकर। हाँ सर, तो हम लोग तब से सुन तो हाँ मोबाइल वाणी से हम सभी छात्राओं को ये होता है कि आज की बेटी है कल की भविष्य है। हमने मोबाइल वाणी में ये सुना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि आज की बेटी है चल के आगे की भविष्य बनेंगी, क्योंकि कोई भी बेटा किसी बेटे से कम नहीं है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनाएं, क्योंकि अशिक्षित लोग से ही बेटियों को आगे चल के भविष्य में प्रॉब्लम होती है,
जिससे वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हम सभी छात्राओं को ये सुनना चाहिए, जिससे बहुत हम लोग को फायदा। आप कितनी बार सुनते हो, कितने दिनों से सुन रहे हो? सर दिन भर में दो या तीन बार सुनते हैं। अच्छा, और कितने दिनों से सुन रहे हो? वही अगस्त, वही 10 या 12 सुनते हैं। सुनते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उसमें क्या चलाया जा रहा है? उसमें चलाया जाता है, हर जगह का समाचार मिलता है, और वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड या आधार कार्ड या मोबाइल के जरिए हम लोग को दूर दूर का समाचार मिल जाता है, हमारा समाचार वहाँ तक पहुँच जाता है। इससे पहले पहुँचता था, पहुँचती थी? नहीं 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 पहुँचता था। या कोई समाचार आपको मिल पाते नहीं? नहीं मिल पाते थे। इससे हमको मिलता है, ये हमको अच्छा लगता है। कितने दिनों से सुन रहे हैं? करीबन एक महीना दो महीना बात करते हैं बहुत ही बुजुर्ग माता जी झुरिया देवी जी से। माता जी आपकी उम्र कितनी होगी? 75। अभी हम लोग गाजीपुर मोबाइल वाणी पे किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों के लिए खास कार्यक्रम चला रहे हैं, तो ये आप किसानों का संदेश क्या है और किस हिसाब से हम लोग चलाएं कि गाजीपुर मोबाइल वाणी के माध्यम से आप किसानों को काफी लाभ मिलेगा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अरे यही कहना चाहते हैं कि साढ़ भैंसा अपना बनवा लीजिए, हम लोग अपना खाएं, अपना वो जो तैयार क्या करें। श्रोताओं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकास खंड गाजीपुर में। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये जो दिव्यांग पेंशन योजना है, ये किन लोगों के लिए है? दिव्यांग पेंशन योजना ऐसे दिव्यांगजनों के लिए है जिनकी दिव्यांगता 40% से ऊपर होती है। उनका आय प्रमाण पत्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से कम होता है और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से कम का होता है। ऐसे दिव्यांगजन जो हों वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, sspy-up.nic पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और कुटुंब रजिस्टर का नकल और विकलांगता प्रदर्शित किया हुआ एक फ़ोटो उनका चाहिए होता है। इतने कागज़ को लेकर के वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं sspy-up.nic.in पे, और आवेदन करने के उपरांत हार्ड कॉपी निकाल करके और कार्यालय को वो जमा करते हैं। एक महीने के अंदर सारे कागजात की जांच करने के उपरांत अगर वो पात्र हैं तो उनकी पेंशन यहाँ से संस्तुति कर दी जाती है। ये आप मोबाइल वाणी जो सुन रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? ये असली गप बाबू भाई, असली बात। हाँ एकदम एहन आदमी के देखना चाहिए किसान के बारे में। मोबाइल वाणी के साथी, मोबाइल वाणी के सामुदायिक रिपोर्टर, मोबाइल वाणी के वॉलंटियर्स,
समाज के दूर दराज के इलाके में जनता के मुद्दों से, जनता के परेशानियों से, जनता की को हो रही परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराते हैं और प्रशासन द्वारा चलाई जा रही सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जनता को अवगत कराते हैं। खेती किसानी और उनके जीवन से जुड़े दूसरे और प्रकार के जो मुद्दे हैं उस पर अभियान चलाकर जनता को उस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका देते हैं और उन्हें कोशिश करते हैं कि जो उनकी समझ है, जो देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो उनकी समझ है वो बेहतर बने, वो सरकार के बारे में, दूर दराज के खबरों के बारे में जाने, जो खबर उन जिन खबर से वो आज तक वंचित थे वो सारे खबर जाने और खबर सुनकर अपनी अपनी समझ बढ़ाएं और इस पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बेहतर तरीके से भागीदार बने। इलाहाबादी की दो लाइन से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, हो तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो। मोबाइल वाणी के संदर्भ में ये बाकी बिल्कुल सटीक बैठता है। आप सुनते रहें, देखते रहें हमारा वीडियो चैनल, हमारा वीडियो यूट्यूब वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करना ना भूलें, आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद हम बेल के बटन को दबाना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। हम आप तक इसी प्रकार की नई नई जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।